Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School, and today in this English class we are going to start a new chapter, prepositions. Let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपोजिशंस. अब प्रिपोजिशंस होते क्या है? प्रिपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा. प्रिपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं और क्या दिखाने के लिए, उनकी प्लेस, टाइम, डायरेक्शंस दिखाने के लिए हम प्रिपोजिशंस यूज़ करते हैं. तो प्रिपोजिशंस बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे बिसाइड, इन, ऑन, आउट, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इस तरह से बहुत सारे प्रिपोजिशंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द आउल इज, अब आउल कहाँ पर है? अंडर द बॉक्स. द आउल इज ओवर द बॉक्स. ओवर द बॉक्स है क्या ये? नो. क्या ये नियर द बॉक्स है? नो. सो द करेक्ट आंसर इज अंडर द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स के नीचे है. द आउल इज, अब आप पिक्चर में देख सकते हैं आउल कहाँ पर है? बॉक्स के पीछे. तो पीछे को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा प्रिपोजिशन है? बिहाइंड. द आउल इज बिहाइंड द बॉक्स. द आउल इज, यस, ऑन द बॉक्स, वो बॉक्स के ऊपर है. द आउल इज इन द बॉक्स. द आउल इज इन बिटवीन द बॉक्सेस. आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस हैं और आउल क्या है? उनके बीच में है. चलिए अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, किसके बारे में? एट, ऑन और इन के बारे में हम पढ़ते हैं. अब आप देखिए कि जो हमारी थ्री प्रिपोजिशंस हैं एट, ऑन, इन, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये तीनों के तीनों प्रिपोजिशंस हमको टाइम और प्लेस बताते हैं. जैसे अगर मैं एट की बात करूँ तो एट हमको टाइम बताता है, स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम. He came home at 9 PM. तो हमने क्या यूज़ किया? At. वो घर कितने बजे आया? 9 बजे. ठीक है. On. On हमको क्या बताता है? Time. अब वो time कैसे बताता है? जैसे कोई भी specific day और date की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? On. याद रखिए, जब भी हम specific day और date की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन. इन को देख लेते हैं. इन कब यूज करते हैं? जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं. जैसे स्वाति वेंट टू शिमला इन विंटर. स्वाति का शिमला गई सर्दियों में, तो हमने यहां पर इन यूज किया. स्वाति वेंट टू शिमला इन विंटर. अब सेम जो हमारा एट है वो हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट बताने के लिए. माई ब्रदर इज एट द रेलवे स्टेशन, एक ही सर्टेन पॉइंट बता रहा है. अब ये जो हमारा ऑन है ये क्या बता रहा है? सरफेस बता रहा है. द कैट इज ऑन द ट्री. कैट कहाँ है? ऑन द ट्री. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इन. प्रिपोजिशन हमको यूज करना है, इन भी हमको क्या बताता है? प्लेस. तो द लॉयन लिव्स इन इट्स डेन. लॉयन कहाँ पे रहता है? डेन में रहता है. ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया कि ये हमारे एट, ऑन और इन जो हमारे प्रिपोजिशन हैं वो हमको टाइम और प्लेस बताते हैं. चलिए एक्सरसाइज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, एट और ऑन. जैसा हमने अभी भी पढ़ा, इन, एट, ऑन, ये दोनों तीनों ही जो हमारे प्रिपोजिशन है वो टाइम और प्लेस बताते हैं. अब क्या आएगा, चलिए देखते हैं. आई कॉल देयर हाउस बट नोबडी वॉज एट होम. प्लेस दिख बता रहा है इसलिए हमने एट लिखा, एट होम. द कुकीज आर ऑन द टॉप शेल्फ. कुकीज कहाँ है? टॉप शेल्फ पर है, तो हमने ऑन लिखा. द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल. कंप्यूटर कहाँ है? टेबल के ऊपर, इसलिए ऑन आया. द हॉर्स इज इन द स्टेबल. हॉर्स कहाँ है? स्टेबल. ये इसका क्या है? स्टेबल इज अ होम ऑफ हॉर्स. Come, sit at the table. It is time to eat. Come, sit at the table. At the table. ये अब आपको place बता रहा है कि आपको कहाँ बैठना है. Sit at the table. It's time to eat.
देयर इज अ लॉट ऑफ फूड इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा खाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चूज करना है और करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर इन दैट एरिया। आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, इसलिए आप क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ओवर। नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ओवर द रिवर इन दैट एरिया। द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स। जो प्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? अबव। अपर्णा इज स्टैंडिंग बाय द कार। अपर्णा कहाँ खड़ी है? कार के साइड में, राइट, बगल में। तो हम क्या लिखेंगे? अपर्णा इज स्टैंडिंग बाय द कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रीन लाइट इज बिलो द रेड एंड द येलो लाइट। अब देखिए ग्रीन लाइट कहाँ पर है, किस लाइट के नीचे? वो है रेड और येलो लाइट के नीचे। सबसे नीचे कौन सी लाइट है? ग्रीन लाइट। तो हम क्या लिखेंगे? बिलो, नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल। अब आप देख सकते हैं कैट कहाँ है? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। नीली इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। देखिए वो डोर के पीछे छुपी हुई है, इसलिए हमने क्या लिखा है? बिहाइंड। मेघा इज द गर्ल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट यानी उसके सामने, किसके सामने खड़ी है वो? मिरर के सामने। वाइट इज, वाइट इज देखिए वाइट कलर का है, बिटवीन, राइट, बिटवीन ब्लू एंड रेड इन दिस फ्लैग। वाइट इज बिटवीन ब्लू एंड रेड इन दिस फ्लैग। ही लिव्स विद हिज डॉग इन कैनेडा। वो अपने डॉग के साथ कैनेडा में रहता है। द थीफ ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द मैन। वो देखिए आप देख सकते हैं ना, थीफ भाग रहा है मैन से बच के, तो हमने क्या लिखा? फ्रॉम द मैन। द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल एवरी डे। द चिल्ड्रन वॉक स्कूल टू एवरी डे। चलिए अब इसका सी पार्ट कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सम वर्ड्स मे बी यूज ट्वाइस। ठीक है, आप इनको ट्वाइस भी, अगर आपको लगता है कि ये प्रीपोजिशन आएगा तो आप उसको दो बार भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पिक्चर में क्या क्या है। यस, इसमें तो किसी पार्क का, गार्डन का फोटो है और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। अब देखिए ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच। ये देखिए ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन कहाँ पर बैठा हुआ है? बेंच के ऊपर, इसलिए हमने लिखा ऑन द बेंच रीडिंग अ न्यूज़पेपर। द बेंच इज नियर द गेट ऑफ द पार्क। देखिए गेट ये रहा और बेंच ये रहा, तो बेंच से ये गेट जो है बहुत पास है, इसलिए हमने क्या लिखा? नियर। देयर इज अ कैट स्लीपिंग अंडर द बेंच। अभी आप देखिए बेंच और बेंच के नीचे कैट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अंडर द बेंच। अ गर्ल इज टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक। आप देख सकते हैं इसको वॉक के लिए लेके जा रही है, तो फॉर अ वॉक के लिए लेके जा रही है। टू बॉयज आर प्लेइंग। अब देखिए टू बॉयज ये रहे, टू बॉयज हमारे, वॉट दे आर डूइंग? दे आर प्लेइंग विद द फुटबॉल। सो हम यहाँ पर विद लिखेंगे। अ मंकी इज जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर। अब देखिए जो मंकी है, आपको मंकी दिख रहा है, ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा है, सो ही इज जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर। देयर इज अ मैन सिटिंग ऑन अ मैट इन द ग्रास। अब देखिए यहाँ पर हमको एक मैन नजर आ रहा है, वो मैट पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा? देयर इज अ मैन सिटिंग ऑन अ मैट इन द ग्रास। अनदर मैन इज स्लीपिंग बिटवीन टू ट्रीज। देखिए अब यहाँ पर
यहाँ पे एक मैन नजर आ रहा है और ये सो रहा है। किसके बीच में सो रहा है? दो पेड़ों के बीच में, इसलिए हमने क्या लिखा? बिटवीन टू ट्रीज। आया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देयर इज अ स्मॉल फाउंटेन इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड देयर आर सम डक्स स्विमिंग इन इट। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल फाउंटेन है ना इन द पार्क, और वहाँ पर डक्स क्या कर रही हैं? स्विमिंग कर रही हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज अ डॉग इज जंपिंग ओवर द हेज। देखिए ये ये हेज है और डॉग इसके ऊपर क्या कर रहा है? जंप, ऊपर से जंप करके आ रहा है। ठीक है, सो डॉग इज जंपिंग ओवर हेज। चलिए अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, डी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। हमको इसमें भी प्रीपोजिशंस ही फिल करने हैं। ठीक है, द बस, देखिए ये रही हमारी बस। द बस डैश अस द फॉलोइंग टू क्लोजली। ये जो बस है जो इनके पीछे है वो इनको बहुत ही ज़्यादा इनके क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे? द बस बिहाइंड अस इज फॉलोइंग टू क्लोजली। सेकेंड वन इज द स्वैन कैरीज हर सिग्नेट्स। इनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं? सिग्नेट्स। ऑन हर बैक, अपने बैक, अपनी बैग पर इसने अपने बच्चों को बिठा रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन हर बैग। द बलून फ्लोटेड ओवर द सिटी। सिटी के ऊपर से बलून उड़ रहा है ना, हॉट एयर बलून। सना हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, और सना ने अम्ब्रेला अपने सर के ऊपर होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है। जोशुआ फाउंड हिज कैट इन द ट्री। उसको उसकी कैट कहाँ पे मिली? ट्री पे मिली। इसमें ऑन द ट्री भी आ सकता है। ठीक है, जोशुआ फाउंड हिज कैट ऑन द ट्री। इट इज डेंजरस टू रन अक्रॉस द रोड। रोड को, रोड के ऊपर भागकर उसको क्रॉस करना डेंजरस हो सकता है। अक्रॉस, आर पार। द जग इज बिटवीन द टू टम्बलर्स। देखिए दो ग्लासेस रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या है? जग। द रग यू आर लुकिंग फॉर इज, अब देखते हैं रग किधर है। देखिए ये रहा हमारा रग, यानी हमारा कारपेट। ये कहाँ पर है? अंडर द टेबल, इसलिए हमने क्या लिखा? अंडर द टेबल। चलिए मैचिंग करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। और प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, एट, ऑन। ओके, सो फ्राइडे, फ्राइडे को हमने मैच किया है ऑन से। देखिए जब भी हम डेज की बात करते हैं, ठीक है, और या कुछ होता है, समथिंग हैपन्स, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। तो फ्राइडे इज़ अ डे, हमने ऑन लगाया। हाफ पास्ट थ्री ये हमारा टाइम है, तो हमने एट यूज़ किया। मंडे एंड वेनसडे डेज हैं, तो हमने इसको ऑन से कनेक्ट किया। 9 ये हमारा टाइम है, हमने इसको एट से कनेक्ट कर दिया। आई प्ले द गिटार, इसको हम कनेक्ट करेंगे आफ्टर। और हम आफ्टर कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ आफ्टर टू लिंक टू थिंग्स। आई प्ले द गिटार आफ्टर माई लंच। आपने अपने लंच को किससे कनेक्ट कर दिया? कि जब आप कब खेलोगे गिटार, आप कब बजाओगे गिटार? आपके लंच के बाद। आई गो स्विमिंग, इसको भी हम आफ्टर से कनेक्ट करेंगे। आई गो स्विमिंग आफ्टर आई गेट होम। ठीक है, तो इस तरीके से हम आफ्टर को यूज करते हैं। राइट सेंटेंसेस विद आफ्टर, एट और ऑन। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। आई फीड द डॉग, I feed the cat. तो I feed the dog. अब दो sentences दिए हुए हैं, हमको इसको link करना है। तो हम कैसे link करेंगे? At से हो पाएगा या on से हो पाएगा? देखिए I feed the dog at I feed the cat? No. तो हम दो sentences को जब link करते हैं
टू थिंग्स को जब लिंक करते हैं वी आर यूजिंग आफ्टर. आफ्टर आई फीड द कैट, आई प्ले टेनिस मंडे एंड फ्राइडे. अब जब भी डेज आते हैं हम क्या यूज करते हैं, ऑन. आई प्ले टेनिस ऑन मंडे एंड फ्राइडे. आई डोंट गो टू स्कूल सैटरडे मेंशन किया है, तो ये फिर डे आ गया. सो व्हाट वी विल राइट, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज. माई सिस्टर फिनिशेस स्कूल सो 5 o'clock. और जब हमारा टाइम होता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट. माई सिस्टर फिनिशेस स्कूल एट 5 o'clock. आई डू माई होमवर्क, आई गेट होम. सो अब ये दो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं ना, इसको हम कनेक्ट किसके साथ करेंगे, कनेक्ट आफ्टर के साथ. आई डू माई होमवर्क आफ्टर आई गेट होम. आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को लर्न करेंगे.